करनाल इंद्री रोड पर फिर से एक भयानक हादसा होता है। एक डंपर चालक एक व्यक्ति के सिर को बुरी तरीके से कुचल देता है जब वो अपनी ड्यूटी के लिए निकले और वहां से किसी काम के लिए निकले। एक इलेक्ट्रीशियन जो है वो बताए जा रहे हैं जो खेड़ी मानसिंह के सुखविंदर रहने वाले हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे पत्नी घर पर बताई जा रही हैं। और ये हादसा इस तरीके से हुआ कि मौके पर मौत हो जाती है। फिलहाल उनके परिवार के लोग यहाँ पर ज़रूर पहुँचे, उनके भाई पहुँचे हुए हैं जिनसे बातचीत ज़रूर करेंगे। हादसा इतना भयानक हुआ कि किस तरीके से कुचलने के बाद उनकी मौके पर मौत हो गई और पोस्टमार्टम के लिए लेकर आ गए उनके भाई, यहाँ पर है उनसे बातचीत करेंगे। सुबह 7:30 बजे करीब घर से निकले ड्यूटी के लिए और ड्यूटी पर पहुँच गए। ड्यूटी पर पहुँचने के बाद ड्यूटी वाले ने, मान लें कंपनी वाले ने, इसको किसी काम के लिए बाहर भेजा। ऑन ड्यूटी थे, ऑन ड्यूटी इलेक्ट्रीशियन थे वहाँ पर। क्या जानकारी मिली हादसे, क्या हुआ? हादसे में कुछ जानकारी नहीं हासिल हुई। कहाँ के रहने वाले और क्या नाम है, क्या उम्र है? खेड़ी मान सिंह का रहने वाले हैं सर। कितनी उम्र है? उम्र 45-46 साल। क्या नाम है? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर आपके बड़े भाई हैं? मेरे बड़े भाई हैं जी। तो क्या सुबह पैक वहाँ गए थे राइस मिल में? हाँ, सुबह राइस मिल में ड्यूटी पे गए थे अपने। कहाँ पर है राइस मिल ये? दर्द के पास है जी। वहीं जहाँ पे हादसा हुआ, जहाँ पर हादसा हुआ। हाँ, तो डंपर चालक फरार हो गया? डंपर चालक फरार है, डंपर वहीं पर खड़ा है। डंपर वहीं पर खड़ा है। हमारे पास केवल एक फ़ोन गया था, किसी ने हमारे को बताया कि ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया। तो घर में कौन कौन है इनके? और घर में दो बच्चे हैं, घरवाली है। परिवार में और कोई है पालने वाला? पालने वाला कोई नहीं है परिवार में, सब तीन भाई हैं। हम तीनों अलग अलग भाई रहते हैं, तीनों के पास। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन से यही अपील कर सकते हैं कि इनके बच्चों के लिए कुछ जो हो सके, हेल्प हो सके, मिल सके। चालक को पकड़ा जाए, डंपर चालक को? डंपर चालक तो पकड़ना चाहिए, जरूर पकड़ना चाहिए उसको। डंपर पुलिस ने कब्जे में ले लिया? पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया उसको। पुलिस मौके पहुंच गई सुबह? हाँ, सुबह पुलिस मौके पहुंच चुकी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। आपके भाई का क्या नाम बताया? सुखविंदर सिंह। तो आप देख सकते हैं, फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करनाल इंद्री रोड पर फिर से एक बड़ा हादसा होता है। एक डंपर चालक जो है एक व्यक्ति को कुचल देता है जो काम के लिए सुबह अपने घर से निकला था। और हादसा आप समझिए कि इतना बुरा होता है कि मौके पर जो है मौत बताई जा रही है और भी तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। छोटे बच्चे हैं इसके दो। देखो लापरवाही तो कहीं ना कहीं डंपर चालक की है। लापरवाही डंपर वाले आमतौर पे ज़्यादा स्पीड बहुत स्पीड से चलते हैं, ओवरलोड चलते हैं यहाँ डंपर हमेशा, और स्पीड बहुत होती है इनकी। तो ये भी लोडेड होगा डंपर? मैं मौके पे नहीं था। अच्छा। शायद लोडेड ही होगा वो। यमुनगर से आ रहा था वो। तो सुखविंदर के मौके मौत हो गई? हाँ, मौके पर ही मौत हुई। मौके पर मौत हुई, सिर कुचल दिया उसका डंपर है ना। सिर कुचल दिया बिल्कुल। देखिए डंपर चालक जो बताया जा रहा है वो मौके से फरार हो जाता है। और करनाल इंद्री रोड दरड़ के नज़दीक, कुराली दरड़ के नज़दीक जो है ये हादसा होता है। हालांकि जानकारी है कि जो है सिर बुरी तरीके से कुचल देता है। खेड़ी मानसिंह के रहने वाले हैं व्यक्ति जिनकी फिलहाल मौत हो चुकी है। और आप समझिए किस तरीके से एक बड़ा हादसा होता है। उनके भाई जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ज़रूर लाया गया है, लेकिन हादसा आप समझिए कि उस रोड पर इस तरीके से कई बड़े वाहन चलते हैं, चाहे डंपर हो, ट्रकों की बात हो, लेकिन हादसा आप समझिए किस तरीके से देखा जाता है। पकड़ना चाहिए उसको ताकि हमारे को पता लगे कौन है ऐसा जिसने इतनी लापरवाही से उसको कुचला। परिवार तो उजड़ गया किस तरीके? हमारा तो बिल्कुल सारा परिवार उजड़ गया जी। क्या रह गया परिवार में, पीछे कुछ भी नहीं। कौन पालेगा उनके बच्चों को? छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं वो। घर वाली नौकरी वगैरह करती है? नहीं, कोई नौकरी नहीं, घर में रहती है। बिनी के ऊपर था सारा, सब काम दामनी के ऊपर था। तीन भाई हैं, तीनों अलग अलग रहते हैं, तीनों अपने अपने बच्चों को पाल रहे हैं। सुखविंदर एक ऐसा था जो कि पूरे परिवार का पालन, इस मिल में काफी, ये लगभग 7-8 साल से काम कर रहे हैं। हाल आप देख सकते हैं कि उनके भाई हैं और किस तरीके से एक बड़ा हादसा होता है। करनाल की इंद्री रोड पर कल भी एक हादसा होता है और आज सुबह सुबह फिर से एक हादसा देखा जाता है जिसमें डंपर जो है बुरी तरीके से एक व्यक्ति के सिर को कुचल देता है और उसके बाद जो है उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर लेकर आया गया है खेड़ी मान सिंह के रहने वाले ये व्यक्ति है जो राइस मिल में बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि उनके भाई जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किस तरीके से एक बड़ा मामला जो है ये सामने आता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
जो है उनके भाई पहुंचे और जानकारी यही है कि उनकी मौत हो जाती है। तस्वीरें हरियाणा करनाल की है। करनाल इंद्री रोड पर दरड़ कुराली के पास ये हादसा होता है। एक इलेक्ट्रिशियन बताए जा रहे हैं जिनकी मौके पर मौत हो चुकी है। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ज़रूर लेकर आया गया है करनाल के पोस्टमार्टम हाउस की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप समझिए कि फिलहाल किस तरीके से एक बड़ा हादसा फिर से एक व्यक्ति की जान ले लेता है। करनाल इंद्री रोड जो है वो हादसों की सड़क ज़रूर बन चुकी है। मैं आरती से योगी अमन गौर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।